हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल हब। और आज ये वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास है जो अपना नया चैनल यूट्यूब पर बनाना चाहते हैं या फिर नया चैनल अपना यूट्यूब पर चला रहे हैं, जिनके चैनल को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए ये वीडियो ख़ास है। क्योंकि गाइस, यूट्यूब अपने एल्गोरिदम में टाइम टू टाइम चेंजेस करता रहता है, और अभी हाल ही में 3 महीने पहले यूट्यूब ने अपना एल्गोरिदम काफ़ी चेंज किया है, जैसे कि आपको बताया कि एड सर्विंग पॉलिसी में चेंज हुआ था। तो गाइस, आज की ये वीडियो न्यू यूट्यूबर्स के लिए इसलिए ख़ास है क्योंकि जो नया यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं और जिनका यूट्यूब चैनल ऑलरेडी बना चुके हैं नया चैनल, तो उन सब के लिए यूट्यूब अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज कर रहा है। मतलब कि यूट्यूब अपने जो नए चैनल बना रहे हैं उनको पॉपुलर करने में हेल्प कर रहा है, नए चैनल्स को पॉपुलर करने में हेल्प कर रहा है, और जिनका चैनल 2 से 3 साल पुराना है उनका चैनल ऑलरेडी पॉपुलर है, लेकिन यूट्यूब की जो सर्च में लोग व्यूवर्स सर्च करते हैं उसमें नए चैनल को ज़्यादा हेल्प मिल रही है सर्च होने में। तो बिल्कुल आपके पास मौका है, मौका देखकर चौका लगा सकते हैं और नए यूट्यूब चैनल जो है वो आप भी बना सकते हैं। और जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब ने अपना एल्गोरिथम ऐसा कर दिया है कि आपका चैनल जो है वो अब सर्चिंग में दिखाई देगा, और बिल्कुल इसका प्रूफ भी है। देखिए आप ये वीडियो क्लिप्स, जो कि 2 बड़े चैनल्स हैं, माई स्मार्ट सपोर्ट एंड गीकी रंजीत सर। तो देखिए, इन्होंने अपना वीडियो पोस्ट किया था कुछ दिन पहले, तो मैं आपको ये वीडियो शो कर रहा हूँ, आप देखिए। और नए यूट्यूबर्स इन्जॉय कीजिए अपने चैनल को। जो पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं आप नोटिस कर रहे होंगे कि सभी लोग जो है अपना सेकेंडरी चैनल बना रहा है, एक नया चैनल। व्हाई, व्हाट इज द रीजन, दिस इज द क्वेश्चन। देखिए, दो चीज है इसके बीच में, दो मेन सीक्रेट्स है। पहला है कि आप भी गेस कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं दूसरा जो चैनल है, मोस्टली टेक जो यूट्यूबर्स हैं वो टेक के सब्सक्राइबर्स लवर्स जो है वो उतने तो नहीं होते जितने फनी कॉमेडी या फिर एंटरटेनमेंट के होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग ये चाह रहे हैं कि कुछ और उस चैनल के माध्यम से सब्सक्राइबर गेन किया जाए और उनको यहाँ पे ट्रांसफर किया जाए या फिर इनके उधर को किया जाए और मिक्स मोड में व्यूज, सब्सक्राइबर्स और इनकम ग्रोथ का मजा लिया जाए। तो ये चीज है फंडा, बेसिकली आप सोच सकते हैं, ये सही चीज है। और दूसरा मेन जो रीजन है वो सबसे बड़ा है, हम आपको बता दें दूसरा रीजन क्या है। देखिए, अब अगर आपका YouTube चैनल 3 साल पुराना है या 2 साल पुराना है तो आपको एक नया चैनल बना लेना चाहिए, क्योंकि YouTube का जो एल्गोरिथम है वो अब नया चैनल्स को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है वीडियो वायरल होने में। ठीक है, आप कहीं ना कहीं नोटिस करेंगे कि पुराने चैनल्स के वीडियोज जो है ज्यादा वायरल नहीं हो रहे हैं और नए चैनल्स के वायरल हो रहे हैं ज्यादा। YouTube continuously changes their algorithm and they do it all the time, but the recent algorithm changes, this has started about 3 months ago, and what I have noticed is that it's not only my channel but even Ash's channel, that is Ash from C4E Tech, he also runs a popular tech channel, he also has a good amount of subscribers, but the new algorithm what YouTube has done is favoring up new channels rather than established old channels. Surprising. And the reason is that YouTube, though so many people are subscribed to this Geeky Ranjit channel, YouTube is simply not sending out that notification or showing that on to the users. This is a new algorithm shift that YouTube is doing. And I even saw Ash's channel, that is Ash from C4E Tech, and his channel also got affected by this. I don't know how long this algorithm change will go on, but that is one thing that I have noticed. तो देखा फ्रेंड्स, कैसे यूट्यूब नए यूट्यूबर्स की मदद कर रहा है, नए यूट्यूब चैनल्स को हेल्प कर रहा है, प्रायोरिटी दे रहा है, उनके वीडियो सर्चिंग में आए। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप बेनिफिट उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आपको कंटेंट अच्छा डालना होगा ताकि व्यूवर्स आपको देखना पसंद करें। तो फ्रेंड्स, मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपको मेरी वीडियो के नीचे मिलेगा, उसके पास में एक बेल आइकन का बटन मिलेगा, उसको भी क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी नई वीडियोस की अपडेट ले पाएँ। तो इसी के साथ ही मैं आपके साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।